हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी, जो बहुत ही स्पेशली होती है। ये सब्जी सर्दियों में बहुत ही बनाई जाती है। पनीर सर्दियों में अच्छा फायदेमंद होता है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। इसमें मैंने डाल दिया आधे चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सभी मसालों को हम पनीर के ऊपर मैंने छिड़क दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल में मैंने पनीर के जो टुकड़े हैं वो पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। ये क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम पनीर के टुकड़ों को हम जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हमको फ्राई करना है तो ये हलवा स्टाइल लगता है। फिर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है तेल। तेल गर्म होने पर हम डाल देंगे जीरा, कड़ी पत्ते, थोड़े से जायफल, दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग। ये सब खड़े मसाले मैंने इसमें लिए हैं। इससे क्या होता है कि सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज, एक चम्मच हरा धनिया, मतलब सॉरी पीसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला लिया है और आधी चम्मच मैंने पनीर मसाला लिया है। ये सभी मसाले डालकर और आधा चम्मच नमक, ये सभी मसाले डालकर हम इसकी ग्रेवी बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा कलर आया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बना ली है। मैंने टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल दी है। ऐसी ग्रेवी बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि सब्जी का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए आप सब्जियों की ग्रेवी बनाकर इसे ऐसे बनाइए। 10 मिनट हो गए हैं, हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। इसमें बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल दूंगी 1 कप दही। दही डालने से इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। दही मैंने ताजा लिया है, ये ज्यादा खट्टा दही नहीं है। ये हलवाइयों की ट्रिक होती है जो मैं इसमें आपको बताती हूँ। मैंने 1 कप इसमें पानी डाल दिया है। आप इसमें आपके हिसाब से कितना भी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के स्लाइस जो हमने तेल में फ्राई किए थे। तेल में फ्राई करने से पनीर हल्के से कड़क हो जाते हैं, ताकि ये सब्जी में घुलते नहीं है। इसलिए आप इसको 5 मिनट के लिए हम इसको वापस ढककर उबाल आने देंगे। 5 मिनट बाद हम वापस सब्जी को थोड़ा सा हिलाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इस सब्जी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे नान, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ आप इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी रेसिपी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।